डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक फिजिक्स कॉर्नर। आज हम क्लास 11th का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। कौन सा? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो हम ये क्लास 11th में रहता है टॉपिक। किस में रहता है? क्लास 11th में। ठीक है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हम ये टॉपिक बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं, कि क्लास 11th के टॉपिक शेड्यूल्ड रूप में नहीं आ पा रहे हैं। तो आप हमारा एजेंडा समझ गए होंगे कि हम क्लास 11th के भी टॉपिक डाल रहे हैं, क्लास 12th के भी टॉपिक डाल रहे हैं, बीएससी और एमएससी के भी टॉपिक वहाँ पर जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें डाल रहे हैं, जिसके कारण टाइम कम मिल पा रहा है। तो आज हम क्लास 11th का टॉपिक लेके आए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बात समझ गए होंगे। तो हम क्लास 11th का टॉपिक FBD स्टार्ट करते हैं। तो मेन प्रोपोगेंडा क्या है FBD का, वो समझोगे। ये इसको समझने के लिए सबसे पहले न्यूटन्स लॉ आपको आना ज़रूरी है। कौन सा लॉ? न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ आपको आना ज़रूरी है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ आपको आना ज़रूरी है। इसके लिए न्यूटन्स लॉ आना ज़रूरी है। तो पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम न्यूटन्स का मैं बता देता हूँ, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? किसी बॉडी स्थिर रहेगी तो स्थिर रहेगी, मोशन में रहेगी तो मोशन में रहेगी, परंतु जब तक फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए वो अपनी रेस्ट में नहीं आ सकती बॉडी, और जब तक फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तब तक वो मोशन में नहीं आ सकती। ठीक है, अगर आप खाने की एक प्लेट खाकर किसी प्लेट को आप किचन में जा कर रख देते हो, तो वो बॉडी वो बर्तन वो कभी भी, जो बर्तन है वो कभी भी आप बिना हिलाए वो साफ नहीं हो सकेंगे। आपको अपने हाथ हिलाने पड़ेंगे जब ही वो बर्तन आपसे साफ हो सकेंगे, यानी आपको फोर्स करना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा किसी बॉडी पर, जब ही वो बॉडी चल पाएगी। मान लीजिए कोई भी बॉडी है आपके पास, ये तो इस बॉडी पर आपको फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा जब ही बॉडी मूव कर पाएगी, कोई ना कोई उसका एक्सीलेशन आ पाएगा। ठीक है, तो सीधी बात कह दूं, अगर बॉडी मूव कर रही है, कुछ एक्सीलेशन है, तो मैं उसे रोकना चाहता हूं, तो रोकने के लिए मैं फोर्स को जीरो कर दूंगा, फोर्स को जीरो न्यूटन कर दूंगा, और एक्सीलेशन को कितना कर दूंगा? 0 m/s², इतना मैं एक्सीलेशन कर दूंगा, इतना मैं फोर्स कर दूंगा। ये एक दूसरे के पैरेलल बात है। ठीक है, तो अगर मैं फोर्स को जीरो करूं, एक्सीलेशन को जीरो करूं, जब भी बॉडी अपने रेस्ट पे आ पाएगी, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब तक बॉडी रेस्ट पे नहीं आ पाएगी, या जब तक बॉडी आपकी मोशन में नहीं आ पाएगी, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई ना करो। ठीक है, तो अब सेकंड लॉ पे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सेकंड लॉ पर। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? तो सेकंड लॉ आपके पास क्या कहेगा? तो सेकंड लॉ आपके पास क्या कहेगा? कोई भी आप एक एग्जांपल के थ्रू मैं सेकंड लॉ पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को स्टडी में लाने की कोशिश करूंगा सेकंड लॉ को एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल आपका है, एक मैंने बॉक्स लिया है, उसमें गैस के बहुत से मॉलिक्यूल्स ले लिए, ये मॉलिक्यूल ले लिया, ये मॉलिक्यूल ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, बहुत से मॉलिक्यूल मैंने ले लिए गैस के। ठीक है, गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिए। ये एक फेमस एग्जांपल रहता है थर्मोडायनेमिक्स का, फेमस एग्जांपल रहता है। तो मैं इसको मैं मैकेनिक्स में यूज लेने का प्रयास कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाओगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि जो मैंने ये एग्जांपल लिया है अप्रोप्रिएट है, क्या आप समझ पाए हो। तो स्टार्ट करें। तो देखो, तो ये अपन ने बॉक्स ले लिया है, और ये बॉक्स ले लिया तो इसके मॉलिक्यूल्स इस पे टक्कर करेंगे। ठीक है, इस पे टक्कर करेंगे, तो टक्कर करने के बाद जो टक्कर करेंगे तो ये अपना जो मोमेंटम है, इनका मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में? मोमेंटम चेंज करेंगे अपन
टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम चेंज करेंगे, तो मोमेंटम का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में ले लेंगे, वो किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा, जबकि पी बराबर क्या जानते हैं अपन, एम वी जानते हैं। ठीक है, सिंस पी बराबर एम वी जानते हैं, इसको यहाँ पुटअप कर दीजिए, क्या रिजल्ट आता है वो देखेंगे। तो पी बराबर एम वी डी टी बराबर एफ, तो इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। कैसे डेरिवेटिव लोगे, एक बार इसको यू मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, और इसको सेकंड मान लीजिए, जूम करके देख लीजिएगा, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड ऐसा का ऐसा, कुछ इस तरीके से हम यूज लेते हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो ये एक्सलेशन हो जाएगा, और मास में कॉन्स्टेंट ले रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो मास है आपके पास कॉन्स्टेंट है, मास क्या है आपके पास, कॉन्स्टेंट है, मास कॉन्स्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव लूम है। तो कोई भी चीज़ का डेरिवेटिव क्या आता है, अगर कोई चीज़ कॉन्स्टेंट है तो जीरो डेरिवेटिव उसका आता है, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो जीरो होगा इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो एफ बराबर डायरेक्ट यहां से क्या आ जाएगा, एफ बराबर एम ए। ठीक है, ये चीज आपके पास आ जाएगी। तो न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ बराबर एम ए, जो जो आपके पास जो आप एफ बी डी पढ़ोगे उसमें बहुत काम आएगा। ये मान लीजिए इसका एप्लीकेशन है, ये क्या है, ये इसका एप्लीकेशन है, ये मान लीजिए आप। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बढ़े तो न्यूटन के थर्ड लॉ पे चलते हैं, क्या कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ, तो उस पे चर्चा करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पर। तो देखोगे न्यूटन के थर्ड लॉ पे कैसे चर्चा करते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा तो मैकेनिक्स बहुत आसान रहेगी आपके लिए। ठीक है, और अपनी बेसिक फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन की जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं 11th क्लास की, वहाँ से आप देख सकोगे, वहाँ से उनको देख सकोगे, समझ सकोगे, उसके बाद में आप वो अगर देख लो प्लेलिस्ट में से, जब आप न्यूटन्स लॉ पे आ जाइए तो आपका जो स्टडी मटेरियल है वो रेडी होता रहेगा। ठीक है, तो हम न्यूटन के थर्ड लॉ पे चलते हैं। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे चलते हैं। लॉ थर्ड आपका क्या होगा, थर्ड लॉ क्या होगा, देखोगे थर्ड लॉ क्या होगा, थर्ड लॉ होगा, अगर मैं एक पानी ले लूं यहां पर, ये आपका क्या है, वाटर है, वाटर है, दिस टाइप ऑफ, दिस इज योर वाटर। ठीक है, वाटर, ये वाटर है, और ये आपकी नाव है, देखना ये आपकी नाव है। ठीक है, ये आपकी नाव है, थोड़ा सा बनाना कोशिश करना, ये आपकी क्या है, नाव है। ओके, ये आपकी नाव हो गई, ये आपका जो नाव को चलाने के लिए डंडा हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए डंडा हो गया। ओके, अगर आप नाव को चलाने के लिए डंडा आगे की तरफ घुमाओगे, ठीक है, अगर डंडा आपको आगे की तरफ ले जाओगे, फोर्स लगाओगे आगे की तरफ, किस पे, ये आपका डंडा, डंडा वाला फोर्स, और किस पे लगाओगे, वाटर पे लगाओगे, किसके रिस्पेक्ट में लगाओगे, वाटर के रिस्पेक्ट में लगाओगे, तो ये है आपका डंडा या रोड जो आप यूज ले रहे हो, वोट है जो आपकी चलाने के लिए, बी है आपका यहाँ पर वाटर। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में फोर्स लगा रहे हो, रोड का रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में फोर्स लगा रहे हो, तो आपका वाटर किसके रिस्पेक्ट में फोर्स लगाएगा, इसके रिस्पेक्ट में लगाएगा, तो वो पीछे की तरफ फोर्स धकेलेगा, पीछे की तरफ धकेलेगा, आप डंडे को आगे की तरफ धकेलोगे, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, परंतु साइन लग जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से विपरीत है, तो मैग्नीट्यूड में ये फोर्स दोनों बराबर होंगे, परंतु साइन लग जाएगा, ये एक दूसरे से विपरीत है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चर्चा करें, तो देखोगे न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया आपके पास, तो नेक्स्ट हम चर्चा करें एफ बी डी पर। तो फ्री बॉडी डायग्राम पे चर्चा करते हैं, क्या है फ्री बॉडी डायग्राम। तो उससे पहले फ्री बॉडी डायग्राम की चर्चा करें, उससे पहले आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, किसकी जरूरत पड़ेगी,
एक आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, वो और समझ लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्या कैसे जरूरत पड़ेगी और क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो समझिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका दो प्रकार का होगा, इनर्शियल इनर्शियल नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो इनर्शियल को अगर हिंदी में लिखें तो जड़त्व, इसको हिंदी में लिखें अजड़त्व। इस पे इसका जो मीन होता है, मीन वो लिख रहा हूं अप्लाई न्यूटन्स लॉ। यहां न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करते हैं, यहां पर नॉट अप्लाई न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ यहाँ पर अप्लाई, न्यूटन्स के लॉ अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हो गया आपके पास एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन हो गया, ये तो एक्स वाई प्लेन हो गया। जेड अगर 3D में चेक करो आप, ये आपका एक्स हो गया, ये एक्स हो गया आपका, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। फिर से देखोगे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये नीचे की तरफ जेड हो गया। तो एक्स वाई प्लेन हो गया और इस प्लेन में आप एक आदमी को खड़ा कर दीजिए, एक आदमी को खड़ा कर दीजिए। ये इसकी आँखें, ये इसका मुंह दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा बनाऊं, ये इसकी आँखें, ये इसकी नाक, ये इसका मुंह। ठीक है, ये इसका मुंह और ये इसकी गर्दन, ये इसके हाथ, ये इसके पैर। इस तरीके से इस आदमी को मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया है। अब दूसरी एक निर्देश तंत्र और ले रहा हूँ, जो इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड, इसके कोऑर्डिनेट हैं किसी टाइम पर ये आदमी पी पे खड़ा है, ये मान लिया किसी टाइम पी पे खड़ा है, तो इसकी एक्स से कोऑर्डिनेट एक्स हो गए, वाई से कोऑर्डिनेट वाई हो गए, जेड से कोऑर्डिनेट जेड हो गए। ठीक है, अगर इस एक्स वाई जेड और ये एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया और वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये पी प्राइम पर एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम इसके पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, पी प्राइम पर। ठीक है, जब इस निर्देश तंत्र को ये देख रहा होगा तो ये समरूप वी वेलोसिटी से चल रहा है, समरूप जो आपके कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उससे चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग न्यूटन के लॉ इसमें अप्लाई हो रहे हैं, तो ये इनर्शियल फ्रेम हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करें और इससे ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा डिटेल में चर्चा कहाँ करेंगे, सूडो फोर्स का टॉपिक लेंगे एक, इसी में ही FBD जो हम पढ़ रहे हैं उसी में ही लेंगे, तो उसमें चर्चा करेंगे, जो एक्सटर्नल चर्चा है वहाँ करेंगे। ठीक है, अजड़त्व निर्देश तंत्र की बात करें, कोई भी आपके पास मूव कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, जब गोल गोल घूमता है तो एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी से कोई भी चीज़ गोल घूम रही है तो उस पे जो फोर्स लगेगा, जो न्यूटन का लॉ है वो लगेगा, रियल फोर्स और एक इमेजिनरी फोर्स। जो एक इमेजिनरी फोर्स लगेगा एक रियल लगेगा, जो इमेजिनरी फोर्स होगा उसे हम सूडो कहेंगे। सूडो फोर्स कहेंगे जो इमेजिनरी होगा, इस इमेजिनरी फोर्स सूडो फोर्स होगा, इसको दोबारा पढ़ेंगे जब इन दोनों निर्देश तंत्र की दोबारा चर्चा करेंगे। या गोल घूम रहा है तो दो फोर्स होंगे और पी सूडो फोर्स होगा, जिसमें जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे।
जिसके कारण हम अजड़त्व और जड़त्व और अजड़त्व निर्देश तंत्र की चर्चा करेंगे। तो गोल घूम रहा है, तो गोल अपनी पृथ्वी घूमती है, परंतु उसे उसे अजड़त्व निर्देश तंत्र नहीं कहते। क्यों नहीं कहते अजड़त्व निर्देश तंत्र? क्योंकि उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होती है और उसको उसके आसपास की स्टडी की फिजिक्स, उसके आसपास की फिजिक्स की स्टडी, धरती की फिजिक्स की स्टडी, अर्थ की जो फिजिक्स की स्टडी करने के लिए हम उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र ही मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट हम बात करें FBD की। तो FBD की ध्यान से देखेगा, देखिएगा कैसे बात करते हैं अपन। ठीक है, FBD की बात करते हैं, एक बार देखना ध्यान से कैसे बात करते हैं FBD की। तो अपन ने FBD की बात करनी है अब, तो इसमें FBD की कैसे बात करेंगे वो देखे हुए। तो देखोगे कैसे बात करते हैं FBD की, फ्री बॉडी डायग्राम की, फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम? एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, एक्ट करवाते हैं किसी बॉडी पर फोर्स, तो सारे उस पर फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी के हम सारे फोर्स उस डायग्राम में शो कर दें, तो उसे FBD या फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, FBD या फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। अगर मैं एक बॉडी ले लूँ, ये एक सरफेस ले लूँ, सबसे पहले मैं एक सरफेस कंसिडर कर लूँ, ये मैंने क्या कर ली, कंसिडर कर ली, एक सरफेस कंसिडर कर ली। ठीक है, इस सरफेस पर मैंने मास m ले लिया, मास m ले लिया। ठीक है, तो इससे नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, परंतु नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा तो ये बॉडी नीचे की तरफ चली जाएगी, तो नीचे की तरफ न जाए इसके लिए एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा n, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल चर्चा करेंगे डिटेल में, नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे क्या होता है ये। तो सबसे पहले ये परपेंडिकुलर, जो भी बॉडी है आपके, इसके परपेंडिकुलर लगेगा, जो mg फोर्स है इसके विपरीत साइड में एक्ट करेगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, बॉडी के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर अगर इक्वेशन बनाना चाहें तो n माइनस, ये दो माइनस का चिन्ह क्योंकि ये विपरीत है, mg इक्वल टू जीरो क्योंकि मैंने सारे फोर्सेस को, ये वाई डायरेक्शन हो गई, अगर मैं मानूं ये एक्स मानूं ये वाई मानूं, तो ये वाई डायरेक्शन हो गई, तो सारे फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितने हो जाएंगे, जीरो। आई मतलब आई मैं ले रहा हूं 0, 1, 2, 3, 4, सारे जो फोर्सेस हैं आपके आई डायरेक्शन, जो वाई डायरेक्शन में जीरो हो जाएंगे, एन माइनस एमजी, तो एन बराबर एमजी हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, तो समझ में नहीं आएगा पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन, तो थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें नॉर्मल रिएक्शन की, तो अगर हम एक कटोरी लें, कटोरी लें, ये ले लीजिए कटोरी। ठीक है, ये कटोरी जोरदार नहीं बनी है, ये ले लीजिए कटोरी। ठीक है, ये अगर यहाँ से ज़ोरदार नहीं बनी है तो थोड़ा सा ज़ोरदार बनाने की कोशिश करते हैं, ये ले लीजिए कटोरी। ठीक है, अगर हम इस पे एक रोड लगा दें, इस कटोरी में रोड लगा दें, ये लीजिए भाई, ये लीजिए विद्वानों, रोड लगा दिया अपन ने, तो रोड के निचले सिरे पर और रोड के इस कोने पर, तो नॉर्मल रिएक्शन बताना है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये ले लीजिए परपेंडिकुलर, ये ले लीजिए परपेंडिकुलर, R1 रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर, तो ये ले लीजिए परपेंडिकुलर R2 रिएक्शन। ठीक है, जो ये टच कर रहा है, ये जो टच कर रहा है, ये जो सिस्टम है पूरा रोड का, जो सिस्टम है यहाँ टच कर रहा है,
यहाँ टच कर रहा है तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बनने की संभावना है, तो यहाँ पर आपके पास आर वन नॉर्मल रिएक्शन बनेगा। यहाँ पर टच कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन बनने की संभावना यहाँ है, तो आर टू यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात की जाए, और बात कर लेते हैं थोड़ा नॉर्मल रिएक्शन पर, इतना आप नोट कर सकते हो। अगर भाषा लिखें फ्री बॉडी डायग्राम की, वो भी लिख लीजिए। ऑल फोर्सेस इज रिप्रेजेंटेड इन ए होल डायग्राम एज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। ऑल फोर्सेज इज रिप्रेजेंटेड इन ए होल डायग्राम एज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नोट कीजिएगा इतना। नेक्स्ट ऊपर बात कर लेते हैं, एक गोल सरफेस ले लीजिए, एक गोल सरफेस कंसिडर कर लीजिए। ये अपन ने गोल सरफेस कंसिडर कर ली है, यहाँ पर कोई भी आपके पास बॉक्स है वो लटका हुआ है, और इसका जो एम जी है इस तरफ लगेगा तो आपका नॉर्मल रिएक्शन इसका एन इस तरफ लगेगा। इसका थोड़ा सा टेढ़ा बना लीजिए, टिल्ड कर दीजिए, इसे टिल्ड कर दीजिए, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ बनेगा, ठीक है, अगर एम जी इस तरफ लग रहा है। और डायग्राम देखें तो ये आपके पास गोला है, और यहां पर कोई बॉक्स लगा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एन लगेगा, अगर नीचे की तरफ एम जी लगता है, ठीक है। और देखें तो देखे हुए, और यहां पर देख लीजिए, परपेंडिकुलर होगा, एकदम परपेंडिकुलर होगा, ये जो बॉडी है उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। और देख लीजिए नॉर्मल रिएक्शन की कहानी को, तो ये आपके पास वेज है कोई, और यहां पर कोई आपके पास बॉक्स रखा है, और इसका मास mg नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। एंगल वेंगल बनाकर और उसे चेंज करना हो तो बाद में, वो बाद का काम है सर, वो बाद में करेंगे, परंतु आप ये इतना ही समझिए एम जी नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, नोट कीजिएगा इतना, नेक्स्ट हम बात करें तो देखोगे थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें थोड़ा सा, देखिएगा नेक्स्ट हम किस पे बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखोगे कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल और ले रहे हैं तो देखोगे, एक एग्जांपल ले रहे हैं तो ये आपके पास बॉडी है, इसका मास एम है, ये स्मॉल बॉडी है जिसका मास एम है, तो इसमें फोर्स शो करने, ये आपके पास इसकी एफ बी डी बनानी है, तो इसकी एफ बी डी कैसे बनाओगे वो देखोगे, तो इसकी एफ बी डी कैसे बनाते हैं, तो इसकी एफ बी डी बनाने के लिए सबसे पहले आप देखोगे कि जो ये इस बॉडी पर नीचे की तरफ एम जी फोर्स लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा एन वन, ठीक है, और इसका एम जी इस तरफ लगेगा और इसका एन टू इस तरफ लगेगा, बस इतना ही डायग्राम, इतना ही नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि सारा फोर्स शो करने वाली चीज़ों को हम एफ बी डी कहेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम से शो करेंगे, सारी चीज़ों को शो करने के लिए जो डायग्राम रेडी कर रहे हैं उसे एफ बी डी कहेंगे। तो ये इसके टच कर रहा है,
ये टच कर रहा है तो ये इस पे इस तरफ फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और ये बॉडी किस पे, इस पे इस तरफ फोर्स लगाने की कोशिश करेगी। एफ वन फोर्स इसको टच कर रहा है तो ये इसको इस तरफ ना खिसका दे, इसलिए ये एफ वन इस तरफ लगेगा। एम बॉडी है ये इसको इस तरफ ना खिसका दे जब एफ इस पे ये फोर्स लगेगा, मतलब ये दोनों अटैचमेंट है, दोनों का अटैचमेंट है। ये इस तरफ, ये बॉडी सोच रही है कि ये मुझे इस तरफ खिसका देगी, पर ये खिसकना नहीं चाहती, अपनी स्थायी अवस्था में रहना चाहती है। स्थायी अवस्था में रहना ही, न्यूटन ने बताया कि वस्तु जब स्थायी अवस्था में रहती है वही सबसे उसकी अप्रोप्रिएट स्थिति होती है, तो अप्रोप्रिएट स्थिति में ही बॉडी रहना चाहेगी। तो ये बॉडी ये सोच, ये इस पर फोर्स लगा दे, ये टच है तो इस पर फोर्स लगा देगी तो इसको इस तरफ खिसका देगी, इसलिए ना खिसके तो इसलिए इसने एफ वन इस तरफ फोर्स लगा दिया है, ठीक है। और ये बॉडी इस, ये बड़ी बॉडी है, ये छोटी बॉडी, ये सोच रही होगी कि ये बॉडी मुझे इस तरफ खिसका देगी तो ना खिसका इसलिए इसने एफ टू फोर्स लगा दिया, मतलब रिएक्शन फोर्स लगा दिया। यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, इस जो अटैचमेंट है इस पर न्यूटन का क्या थर्ड लॉ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे इस तरफ शो करें, बराबर का चिन्ह लगाकर इस तरफ शो करें तो कैसे शो करेंगे वो देखोगे। ये एम बॉडी है, इस पे एफ वन फोर्स लग गया, एम जी और एन वन, और दूसरे का एफ बी डी बनाए। ये आपके पास एम टू बॉडी है और एन टू रिएक्शन इस तरफ लग गया, एम टू बोल दिया गया एम स्मॉल एम बोल दीजिए, स्मॉल एम, तो एम स्मॉल एम और नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लग रहा है एफ टू, ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, तो आप इतना नोट कीजिएगा ठीक है, नोट कीजिएगा इतना एग्जांपल आप। ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, ये दोनों फोर्स आपके किसके बराबर होंगे तो ये दोनों फोर्स आपके क्या होंगे, बराबर होंगे, तो बराबर कर दीजिए इनको, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं, कोई कांटेक्ट केवल इतना ही हो रहा है, और बराबर होंगे F, जो आपके पास F बराबर F2 फोर्स होगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम शो करें, तो इसमें अगर हम शो करें तो आपके पास क्या होगा, ये बॉडी F1 इस तरफ लगा रही हो गई, और ये बॉडी इस तरफ अटैचमेंट है ना इसका, इसको उठा के यहाँ रखोगे तो ये F1 इस तरफ लगा रही होगी, इस तरीके से हम शो करेंगे। वो थोड़ा उल्टा शो कर दिया अपन ने, भावुक होकर थोड़ा उल्टा शो कर दिया, तो इसको इस तरीके से शो करेंगे, जो F1 बराबर F2 किसके बराबर कह दीजिए, F1 के बराबर कह दीजिए, ये होगा, ठीक है, इस तरीके से हम शो करेंगे, क्योंकि हमने भावुक होकर इसको इस तरफ शो कर दिया, ये गलत कर दिया अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो देखोगे, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ें, तो आप एक M1 ले लीजिए, ये आपके पास M2 ले लीजिए, ठीक है, ये आप रस्सी ले लीजिए, रस्सी को आप मासलेस मान लीजिए, और मासलेस मानिएगा और फ्रिक्शनलेस मानिएगा, ठीक है। तो ये टेंस, ये रस्सी क्या होगी,
इन दोनों ब्लॉक से जुड़ी हुई है। अगर इसे मैं एफ फोर्स यहाँ पर दे दूँ तो इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ होगा, इसका भी एक्सेलेरेशन इस तरफ होगा, क्योंकि एफ फोर्स दिया है तो दोनों एक साथ खींचेंगे। ठीक है, अगर आपने कभी देखा हो तो आपके पास जो आपके पास कार होती है, कार से कभी बाइक पीछे बंद के जाती है तो इस तरह की सिचुएशन बनती है। बाइक भी चल रही होती है, साथ साथ में कार भी चल रही होती है, उसी डायरेक्शन में कार चलती है, उसी डायरेक्शन में बाइक चलती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो रस्सी है दोनों के बीच की, ब्लॉक के बीच की रस्सी है, उस पर टेंशन, ये वाला ब्लॉक क्या लगाना, इसको इस तरफ खींचना चाहेगा, टेंशन टी लगाएगा, ये वाला ब्लॉक इसको इस तरफ खींचना चाहेगा क्योंकि स्थायी अवस्था में लाना चाहेगा कि ये मुझे इस तरफ खींच, ये वाला ब्लॉक इसको इस तरफ खींचेगा तो टेंशन टी लग रहा है कि मैं उसको इस तरफ लाऊं, तो फोर्स है तो ये इस डेफिनेटली इस तरफ आएगा, बट टेंशन इसको इस तरफ लाने की कोशिश करेगा, ये ब्लॉक स्थायी अवस्था में रहने के लिए इसको इस तरफ खींचना चाहेगा कुछ इस तरीके से। ये आपका मार्कर है, मैं इसको इस तरफ से खींचूं तो ये इधर वाला हिस्सा स्थायी अवस्था में रहना चाहेगा तो ये अपने आप को इस तरफ खींचेगा। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ें, एक पुली सिस्टम लें तो पुली क्या होती है आपकी, जो आप कभी कुएं में से पानी निकाले हो, पुराने ज़माने में कुएं में से पानी निकाले हो तो जो रस्सी से हम खींचते हैं, वो रस्सी से खींचते हैं, जो बाल्टी नीचे डूबी हुई होती है पानी में उसे रस्सी से खींचते हैं, तो वो पुली सिस्टम होता है, वो पुली होती है जिससे हम खींचते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका मास एम है, एम वन है, और इसे मैंने खींचा, इसे मैंने यहाँ पर पुली मान दी, ये आपकी पुली हो गई और ये आपका मास M2 हो गया। ठीक है, अगर केवल टेंशन की बात करें, अगर दोनों रस्सी मासलेस है, वही कंसेप्ट, मासलेस है, स्प्रिंग लेस, जो फ्रिक्शन लेस है, तो इस कंडीशन में टेंशन, इस रस्सी में भी दोनों तरफ टेंशन T होगा, इसमें भी दोनों तरफ रस्सी में टेंशन T होगा। रस्सी में अगर आप दो ब्लॉक को जोड़े हो रस्सी में तो टेंशन दो ही शो करोगे आप, क्योंकि आप जब इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओगे, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाओगे तो दोनों टेंशन की जरूरत पड़ेगी, जो डायरेक्शन है टेंशन की किसी बॉडी पर लगाने के पर, तो आप जब ही शो कर पाओगे एक इक्वेशन बनाने के लिए, अगर दोनों टेंशन लगे होंगे जब ही आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे, तो अप्रोप्रिएट रहेगा कि आप दोनों टेंशन को, दोनों को एक डायरेक्शन में कर दीजिए और टीटी कर दीजिए। अगर ये दोनों नहीं हो, लेस नहीं लगाओ, इसमें भी लेस नहीं लगाओ, फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन की कंसेप्ट ही बताएंगे क्या होता है, मास भी हो फ्रिक्शन भी हो, तो इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T2, दोनों में टेंशन अलग अलग, इसमें भी T1, इसमें T3 और इसमें T4, टेंशन अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, कंसेप्ट को उतारते जाना, समझते जाना। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास क्या रहता है, नेक्स्ट एग्जांपल उस पे चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, अगर स्वतंत्र रूप से एक आदमी मास एम को खींच रहा हो, ये आदमी मना लीजिए आप, ये इसका थोबड़ा, ये इसकी नाक, तो ये इसके हाथ, ये इसकी गर्दन, ये इसके हाथ, तो इसको ये खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो खींचने पर टेंशन, ये फोर्स एफ लगाएगा और टेंशन टी होगा। तो स्वतंत्र रूप से रस्सी मास एम से जुड़ी हुई है, मास एम से क्या है, स्वतंत्र, जो डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट तौर पर जो इससे जुड़ी हुई है, स्वतंत्र रूप से जुड़ी हुई है मास एम से, और डायरेक्ट इसे खींच रहा है, तो डायरेक्ट खींच रहा है तो टेंशन जो उत्पन्न होगा वो फोर्स के बराबर होगा इस कंडीशन में। ये जो गोल्डन रूल है वो लिख लीजिए, तीन अपने पास एग्जांपल लिए और तीनों आपके पास क्या हो गए, इसके गोल्डन रूल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास होगा, ये आपके पास ब्लॉक एम, कोई ब्लॉक एम है, ये भी मासलेस स्ट्रिंग नहीं है, इसे मैं एफ से खींच रहा हूँ, ये मासलेस नहीं है, कहा हुआ नहीं है मासलेस नहीं है,
नहीं है, यानी मास है, मास है, कुछ ना कुछ मास है, रोप का कुछ ना कुछ मास है, और कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, कुछ ना कुछ मास है, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, कुछ ना कुछ मास है, तो यहाँ पर जो टेंशन इसके पास में होगा, जो मास एम है, वो टेंशन वहाँ पर क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस स्ट्रिंग को हम खींच रहे हैं, स्ट्रिंग को खींच रहे हैं, तो इस रस्सी पर, जो आपके पास ये रस्सी है, इसका कंसेप्ट भी समझ लीजिए, ये आपके पास रस्सी है, ये मॉलिक्यूल है, इसको हम तीव्रता से खींच रहे हैं, तीव्रता से खींच रहे हैं, तो यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होगा, परंतु ये मॉलिक्यूल नहीं खींच रहे हैं, ये मॉलिक्यूल, क्योंकि इस पूरी रस्सी में मास है, पूरी रस्सी में मास है, तो ये मॉलिक्यूल खींच रहे नहीं है, ये खींच रहे हैं, तो यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर रस्सी में टेंशन क्या होगा, मिनिमम होगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल खींच रहे नहीं है, इस फोर्स से बाद में खींच रहे हैं, बाद में खींच रहे हैं, तो टेंशन वहाँ तक जाकर मिनिमम हो जाएगा। कौन सी चीज़ में, जब मास आपके पास नहीं हो और फ्रिक्शन भी नहीं हो, फ्रिक्शन हो और मास हो उस कंडीशन में, नहीं हो, मासलेस नहीं हो, ये वाली कंडीशन हो, तो आगे जाके टेंशन मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम, क्योंकि जो यहाँ पर पास वाला मॉलिक्यूल है फोर्स के, वहाँ पर तो टेंशन मैक्सिमम ही महसूस करेगा, मैक्सिमम ही महसूस करेगा, यहाँ मिनिमम महसूस करेगा, जिसके कारण यहाँ टेंशन मिनिमम होगा, यहाँ टेंशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है एक, और एक कंसेप्ट यहीं बता देता हूँ मैं, तो ये कंसेप्ट है, ये आपके पास रस्सी है, और रस्सी से दोनों तरफ से खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेंशन लगेगा दोनों तरफ, टेंशन टी टी अप्रोप्रिएट लगेगा, ठीक है, अप्रोप्रिएट टी टी टेंशन यहाँ पर लगेगा, दोनों तरफ लगेगा, ये इससे खींच रहा है तो ये मॉलिक्यूल टी टेंशन महसूस करेगा, ये मॉलिक्यूल इस फोर्स से खींच रहा है तो ये टी महसूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये गोल्डन रूल है, काम आएंगे सवाल करते टाइम, इसकी भाषा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये काम आने वाले हैं डायरेक्ट ही, ठीक है। तो नेक्स्ट हम गोल्डन रूल है कि हम अगर टेंशन स्ट्रिंग को खींचने में ज़्यादा लगा दें, ज़्यादा टेंशन लगा दें, तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, एक लिमिट आएगी, उसके बाद में स्ट्रिंग आपके पास क्या होगी, टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो उस ख़त्म होने की से पहले की जो कंडीशन, उसे भंजन सामर्थ्य हिंदी में बोलते हैं, भंजन सामर्थ्य हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये इतने सारे अपने पास गोल्डन रूल हो गए, अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो तीन एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखोगे, एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, तो एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या देखते हैं, तो देखोगे एग्जाम्पल फर्स्ट, आज का एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, तो एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, दो ब्लॉक ले रहे हैं, एक का मास M1 है, एक का मास M2 है, ठीक है। दोनों में टेंशन T लग रहा है, इस पे भी T टेंशन लग रहा है, यहाँ से भी T टेंशन लग रहा है, और इसे यहाँ से फोर्स F से खींचा जा रहा है, ठीक है, यहाँ से F फोर्स से खींचा जा रहा है, तो यहाँ पर इसका जो एक्सीलेशन है इस डायरेक्शन में होगा, और इसका एक्सीलेशन इस डायरेक्शन में होगा, तो अपन को क्या बताना है, एक्सीलेशन कितना होगा, एक्सीलेशन कितना होगा और टेंशन कितना होगा, ठीक है। दो चीज़ें आपको बतानी है, दो क्वेश्चन में फाइंड करनी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम फाइंड करते हैं, सबसे पहले एक्सीलेशन फाइंड करते हैं, उसके बाद में टेंशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसकी FBD बनाने की प्रयास करते हैं, आपका जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको मिटा देते हैं अब, तो फोर्स है आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपका इसकी केवल M1 की FBD बनाएं, तो M1 T टेंशन दूसरी तरफ लग रहा है, F फोर्स इस तरफ लग रहा है, और एक्सीलेशन इसका इस तरफ है, एक्सीलेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन लिखें, तो F माइनस T बराबर M1A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे की इक्वेशन बनाने का प्रयास करें, क्योंकि एफ आगे की तरफ एक्सीलेशन है, तो आगे वाले को हम पॉजिटिव लेंगे, पीछे पीछे वाले पर एक्सीलेशन नहीं है, तो इसको नेगेटिव लेंगे, तो एफ माइनस टी, जो एक्सीलेशन आगे की तरफ दौड़ रहा है ये ब्लॉक, तो
तो एम वन ए इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। और दूसरे वाले ब्लॉक की इक्वेशन बनाएं एम टू, इसकी जो एक्सलेशन है इस तरफ है, परंतु टी केवल टी लग रहा है, इस पर कोई फोर्स एफ नहीं लग रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी बराबर एम टू ए, ठीक है। इक्वेशन नंबर दो, अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, इस टी की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, तो आपके पास टी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से फ्रॉम लगा सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो एफ माइनस एम टू ए बराबर एम वन ए, तो एफ बराबर एम वन ए प्लस एम टू ए, तो एफ बराबर एम वन प्लस एम टू ए कॉमन ले लीजिए, और ए निकालना है अपने को एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू, ये आपके पास एक्सीलेशन आ जाएगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, पहले इतना नोट कीजिएगा, उसके बाद में टेंशन निकालते हैं। तो ये आपके पास एक्सीलेशन आ गया इक्वेशन नंबर थ्री, तो अब टेंशन आ गया, अब टेंशन निकालते हैं अपन, तो टेंशन कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन दो में, इक्वेशन दो से, दो में क्या टी बराबर क्या है आपके पास, एम टू ए, तो ए की वैल्यू ये पुट अप कर दीजिए, एम टू मल्टीप्लाई एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक है, ये आपका टेंशन टी आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। इक्वेशन नंबर चार, नेक्स्ट चलते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर टू स्टार्ट करते हैं। तीन ब्लॉक वाला सिस्टम ले लेते हैं, एग्जाम्पल टू, ये तीन ब्लॉक वाला सिस्टम ले लेते हैं, एम वन एम टू एम थ्री, इसको एक सरफेस में बना दीजिए, ये आपका ग्राउंड हो गया, सरफेस हो गई एक, ठीक है। इसको मैं तीनों ब्लॉक है आपको और आपके, जो मैं इसको एफ से इस तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है, तो एफ से इस तरफ खींच रहा हूँ इन दो तीनों को, एम एम थ्री को, एम टू को और एम वन को, ठीक है। तो इन दोनों ब्लॉक के बीच में मान लिया मैंने दोनों तरफ से टी वन टेंशन लग रहा है, इन दोनों ब्लॉक के बीच में टी वन नहीं लगेगा, अलग लगेगा, मान लीजिए टी टू टेंशन लग रहा है, ठीक है, बाकी आगे टेंशन लगेगा नहीं, टी थ्री, ये आपके पास टी टू टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो इतना, तो वही निकालना है आपको पास, एक्सीलेशन निकालना है और टी वन और टी टू टेंशन निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो देखना कैसे निकालते हैं अपन इनको। तो सबसे पहले अगर मैं इसे एफ इस तरफ खींच रहा हूँ, तो तीनों ब्लॉक का जो एक्सीलेशन है इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो सब अलग अलग, इसका अलग एफ बी डी बना दीजिए, इसका अलग, इसका अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। सबसे पहले मैं इसका बना रहा हूँ, तो ये आपके पास एम वन, इसे मैं एफ से खींच रहा हूँ, एक्सीलेशन भी आपका किस तरफ है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और टेंशन इसका ये पार्ट, दोनों टेंशन, जैसे रस्सी, आपकी रस्सी को मैं ऐसे खींचूंगा तो ये वाला ब्लॉक है, ब्लॉक अपनी तरफ खींचना चाहेगा रस्सी को, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर हम दोनों तरफ तीर लगा देंगे, तो दोनों तरफ एक दूसरे को खींचना चाहेंगे, तो ये वाला पार्ट इस ब्लॉक को ये वाला पार्ट यूज ले लेंगे, एम वन के पास कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यूज ले लेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, टी वन, ठीक है। तो इक्वेशन बना दीजिए, एफ माइनस टी बराबर एम वन ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि जहां से हम खींच रहे हैं, जहां आपके पास एक्सीलेशन है वो पॉजिटिव, दूसरा पार्ट नेगेटिव, तो एफ माइनस टी और एक्सीलेशन दोनों का किस तरफ जा रहा है, ब्लॉक किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो एम वन ए,
इस पे फोर्स अप्लाई हो गया। दूसरा, दूसरे ब्लॉक का, दूसरे ब्लॉक पे चलते हैं। तो दूसरे ब्लॉक पे देखिएगा कैसे चलते हैं। तो दूसरा ब्लॉक आपके पास ये रहा, ये आपके पास मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा नहीं है। तो दूसरा ब्लॉक है ये, तो इस पे T1 फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये वाला T1 फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रहा है, T2 वाला इस तरफ अप्लाई हो रहा है, और ये M2 किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन वो देखोगे, तो कैसे लिखोगे, T1 माइनस T2, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बराबर M2A। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। इस 3 नंबर ब्लॉक की इक्वेशन बनाते हैं। तो देखोगे मैं यहाँ नीचे बना रहा हूँ, तो ये आपके पास कौन सा ब्लॉक हो गया, M3 नंबर ब्लॉक हो गया। तो M3 ब्लॉक की इक्वेशन बनाएं, तो T2 इस तरफ है और एक्सीलेशन भी इसका इस तरफ है, तो क्या हो जाएगा, M3A इक्वल टू, इस तरफ कोई फोर्स नहीं है तो इसी डायरेक्शन में फोर्स जाएगा, M3A इक्वल टू T2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों को सोल्व कर दीजिए, वो T1, T2 और एक्सीलेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम T2 की जगह ये पुटअप करें, इक्वेशन 2 एंड 3 से, 2 एंड 3 से T1 माइनस T2 की वैल्यू M3A इक्वल टू M2A। तो T1 की वैल्यू M3A प्लस M2A, ये आपके पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4, नोट कर लीजिए। अब ये T1 की वैल्यू कहाँ पुट अप करेंगे, यहाँ पर, ये भी T1 है ना, यहाँ पर T1 की वैल्यू पुट अप करेंगे। तो T1 की वैल्यू यहाँ पर पुट अप करते हैं, तो देखिए मैं ऊपर पुट अप करता हूँ, तो F माइनस T1 की वैल्यू, ये इक्वेशन 4 से लिख सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर से। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, T1 की वैल्यू F माइनस M3A प्लस M2A इक्वल टू M1A। तो ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे इक्वेशन के, तो F बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, M1A प्लस M2A प्लस M3A। तो F बराबर A इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको मिटो रहा हूँ, इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, अब नोट कर लेना इसको। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, तो इसको मिटो रहा हूँ मैं। तो इस तरफ M1 प्लस M2 M3, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट चलते हैं, T1 T2 कैसे निकालेंगे। ठीक है, T1 और T2 कैसे निकालेंगे, इस A की वैल्यू इक्वेशन, इसको नंबर कौन सी दे दीजिए, 4, ये थी आपके 5। ये वाली इक्वेशन आप यहाँ पुट अप कीजिएगा, यहाँ चल के यहाँ, इस A की जगह आप ये A पुट अप कीजिए। तो मैं नीचे पुट अप कर रहा हूँ, तो इक्वेशन लगा सकते हो इक्वेशन 5 से, फ्रॉम इक्वेशन फाइव, F बराबर T1 बराबर M1, एक A की वैल्यू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, और इसको मैं मिटोता हूँ एक बार, T2 की भी तो निकालनी है, T2 किसके बराबर हो गया, M3A की, तो इसको मिटो देता हूँ एक बार, ज़रूरत नहीं है अब इसकी। ठीक है, तो आपके पास इसको T1 को इस तरफ ले आऊँ मैं,
माइनस टी वन इक्वल टू एफ वन माइनस एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री माइनस एफ, और ये माइनस इस तरफ चला जाएगा तो टी वन किस कैसा आ जाएगा, एफ माइनस एम वन एफ एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। एलसीएम ले लीजिए तो टी वन बराबर एफ एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री माइनस एफ वन एफ अपॉन एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री। ठीक है, तो यहाँ से आप काटोगे एफ एफ एम ए कट जाएगा, एफ एम ए कट जाएगा, तो टी वन आपके पास क्या आ जाएगा वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इतना नोट कीजिए, पहले आप नोट कीजिएगा। नोट करने के बाद अब मैं इसको मिटो रहा हूँ। ठीक है, इतना नोट कीजिए आप। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, T1 बराबर F M1 प्लस F M2 प्लस F M3 माइनस F M1 इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, एफ एम से एफ एम कट गया तो टी बराबर एफ कॉमन ले लिया, एम टू प्लस एम थ्री इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ये आपके पास टी वन आ गया। टी टू निकाल दीजिए, ए की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दीजिए, तो टी टू निकालता हूँ मैं, टी टू निकालता हूँ, तो टी टू कैसे निकालता हूँ देखोगे, ए की वैल्यू ये है तो एम थ्री, ये अब यहाँ पुट अप कर दीजिए तो M3 A की वैल्यू F अपॉन M1 M2 M3, ये T2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर आप कह दीजिए 6, ये आ गई 7। ठीक है, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट चलते हैं, एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं, एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं, तो देखोगे आज का अंतिम सवाल, देख रहा हूँ वीडियो चल रही है क्या आपकी, ठीक है वीडियो चल रही है, लास्ट सवाल देखता हूँ। तो आपका जो लास्ट सवाल होगा, एक एक सरफेस ले लीजिए, इससे आप क्या करोगे, पुली सिस्टम वाला नहीं ले रहा हूँ मैं, इससे आप M1 मास लटका दीजिए, एम मास लटका दीजिए। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका सरफेस हो जाएगा, इस पर एम वन मास लटका हुआ है। ठीक है, यहाँ से एंगल अल्फा बना लीजिए, यहाँ से बीटा बना लीजिए, यहाँ पर टी वन टेंशन लगा दीजिए, यहाँ पर टी टू टेंशन लगा लीजिए। तो आपको क्या करना है, फाइंड टी वन एंड टी टू टेंशन टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग इज मासलेस मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो इसमें टेंशन निकालते हैं, तो कैसे निकालोगे, तो देखोगे T1 और T2 टेंशन निकालना है, तो सबसे पहले एक चीज़ समझोगे, T1 T2 टेंशन निकालना है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा पहले,
तो अब T1 T2 टेंशन कैसे निकालोगे, जैसे आपका कोई भी किसी भी ये आपके कोई भी बॉडी पे मैंने फोर्स लगा दिया इतना F, ठीक है, F लगा दिया, तो आपका जो कंपोनेंट होगा इसमें, जो कंपोनेंट होगा जो बॉडी है इस पे F फोर्स लगा दिया, तो यानी जो थीटा होगा, तो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा F cos थीटा और ये होगा F sin थीटा, ठीक है। इस डायरेक्शन में F sin थीटा होगा और इस डायरेक्शन में कोई भी बॉडी पर F फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन में F cos थीटा होगा, इस पे F sin थीटा फोर्स होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर टेंशन को डिवाइड कर दीजिए दो कंपोनेंट में, ठीक है, F cos थीटा में, F sin थीटा में। ये जो X एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा cos थीटा होगा और साइन थीटा वाई वाई वाला कंपोनेंट होगा। सीधा समझ सकते हो, जिसके पास थीटा होगा वो कोस थीटा होगा कंपोनेंट ले जाएगा, और विदाउट थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, एफ साइन थीटा होगा, ठीक है। इसको वैसे ही अपन बांट देते हैं, क्वेश्चन में देखोगे कैसे बांटते हैं। तो इसको सबसे पहले ये जो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, ठीक है, दो कंपोनेंट होंगे। तो ये हो जाएगा टी कोस अल्फा, ये हो जाएगा T1 साइन अल्फा। इसको अपन थोड़ा सा अलग कलर से लिख देते हैं। ये ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा T1 साइन अल्फा, ठीक है, और इसमें ये वाला इस तरफ वाला कंपोनेंट हो जाएगा T1 T2 कोस बीटा, ये वाला इस तरफ वाला कंपोनेंट हो जाएगा T2 कोस साइन बीटा, T2 साइन बीटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो और इस पे जो फोर्स लगेगा mg, mg इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है, mg फोर्स इस पे लगेगा। बीच में से लाइन गुजार सकते हो, एक कंपोनेंट इसमें कम पड़ रहा है तो बीच में से एक लाइन बना सकते हो, जो कंपोनेंट एक परपेंडिकुलर टेंशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, एक इसके जो अक्सिस पे कंपोनेंट होगा। तो जो अक्सिस पे कंपोनेंट होगा टी कोस थी कोस अल्फा होगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा टी साइन अल्फा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है नहीं, कोई एंगल है नहीं, यहाँ पर एंगल है तो ये कोस अल्फा वाला ले जाएगा, ठीक है। T1 साइन अल्फा है तो यहाँ कोई एंगल नहीं है तो ये टी साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर T2 साइन बीटा हो जाएगा, यहाँ T2 कोस अल्फा हो जाएगा। तो इक्वेशन बनाने का प्रयास करें, तो इक्वेशन कैसे बनाओगे, इसमें इसमें इक्वेशन बनाने का तरीका, जो ब्लॉक जब लटका हुआ होता है उसमें इक्वेशन बनाने का तरीका, आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बराबर कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बराबर कर सकते हो और वर्टिकल कंपोनेंट को बराबर कर सकते हो। वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं उसको बराबर कर सकते हो। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बराबर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लटका हुआ है तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम की आपके पास इक्वेशन तैयार होगी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को बराबर कर कर इक्वेशन आप तैयार कर सकते हो। तो कैसे तैयार करोगे, तो देखोगे, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बराबर करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल में दो है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए, टी कोस अल्फा बराबर T2 कोस बीटा, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वर्टिकल कंपोनेंट को बराबर करने की कोशिश करें, तो वर्टिकल कंपोनेंट में दो है, T2 को साइन अल्फा, T1 साइन अल्फा और T2 कोस बीटा। तो T1 साइन अल्फा प्लस T2 कोस, कोस नहीं है, साइन ही है ना, हाँ साइन ही है, साइन बीटा बराबर mg, इक्वेशन नंबर टू। अब दोनों कंपोनेंट हैं, T1 T2 आराम से निकाल सकते हो, तो इसमें से T1 निकालो और इसमें पुटअप कर दो। कैसे निकालोगे, अब इतना आप नोट कीजिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को नोट कीजिए, मैं डायग्राम को मिटोकर फिर इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन लेता हूँ। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, किस कैसे बराबर किया, वैसे आप डायग्राम लोगे सबसे पहले, तो कैसे डायग्राम लेके बराबर करोगे, तो सबसे पहले ये डायग्राम लिया आपने,
और ये स्ट्रिंग बनाई आपने, ठीक है, और इस स्ट्रिंग को एक सरफेस बनाकर इससे कोई मास लटका दिया, ठीक है, मास लटका दिया एम, ठीक है, तो इससे मास लटका दिया, तो यहाँ पर T1 टेंशन हो गया, यहाँ पर T2 टेंशन हो गया, ठीक है, यहाँ पर T2 टेंशन हो गया। तो ये T1 का कंपोनेंट एक साइन वाला, दो यहाँ पर हो जाएंगे T1 साइन अल्फा और T2 कोस बीटा, कोस बीटा क्या का साइन बीटा, ठीक है, और यहाँ पर एंगल बीटा, यहाँ पर एंगल अल्फा, तो यहाँ पर T1 कोस अल्फा, यहाँ पर T2 कोस बीटा, ये कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कंपोनेंट डिवाइड किए, दो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएंगे और दो एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होंगे। वैसे ही किया है मैंने, एक फोर्स लग रहा है तो थीटा यहाँ पर है, तो एफ कोस थीटा इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि थीटा वाला कौन सा ले जाएगा कंपोनेंट, कोस थीटा ले जाएगा, और साइन वाला कौन सा ले जाएगा, एफ साइन थीटा। वैसे भी आप आधार वैसे कौन सा लाल बट्टे कक्का से भी कर सकते हो, ये फोर्स लगा है आपके पास तो यहाँ त्रिभुज बनाओगे, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, ये जो डिस्टेंस, ये जो फोर्स होगा एफ कोस थीटा आएगा, लाल बट्टे कक्का से कर सकते हो, लाल बट्टे कक्का, इससे आप करके देखना, ऐसा ही आपके पास कोई सिस्टम रेडी होगा, ठीक है। तो जिसके कारण अपन ने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट हो गए, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने बराबर कर लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बराबर कर लिया, इस तरीके से हमने वर्टिकल कंपोनेंट को बराबर कर लिया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मुझसे समझ चुके होंगे, ये चीज़ समझ चुके होंगे, ठीक है। तो जिससे इक्वेशन आई T1 कोस अल्फा, T2 कोस बीटा, ये वाली वर्टिकल कंपोनेंट में ये दोनों जुड़ जाएंगे, T1 साइन अल्फा, T2 साइन बीटा, किसके बराबर, Mg, क्योंकि नीचे Mg फोर्स लग रहा होगा, Mg ग्रेविटेशनल, नीचे ग्रेविटी लग रही होगी तो नीचे Mg फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, तो नीचे Mg लग रहा होगा, तो Mg इक्वल टू इसके हो जाएगा। दो दो कंपोनेंट उस तरफ है, एक कंपोनेंट इस तरफ है, तो दो कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ, इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ, तो इन दोनों को सॉल्यूशन ले लीजिए, T1 और T2 आ जाएंगे, ओके, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बढ़िया बढ़िया सवाल लेंगे, ये तो हल्का फुल्का सवाल था, अगली वीडियोस में बढ़िया सवाल लेंगे, ठीक है। तो देखोगे T1 T2 का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ, सॉल्व करके भी कर सकते हो आप। तो T1 मैं ऊपर से निकाल रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट से T1 निकाल रहा हूँ, T2 कोस बीटा और कोस अल्फा, इसमें इसकी जगह पुटअप कर रहा हूँ, इसकी जगह ये पुटअप कर रहा हूँ। तो कैसे पुटअप करता हूँ T1 की जगह, तो देखोगे तो T1 की जगह ये पुटअप कर रहा हूँ, इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन सेकंड से कैसे पुटअप करोगे, T2 साइन अल्फा साइन बी, T2 कोस बीटा बट्टे कोस अल्फा और साइन अल्फा, मल्टीप्लाई में साइन अल्फा प्लस प्लस T2 साइन बीटा बराबर Mg, ठीक है। तो T2 कॉमन ले लीजिए, कोस बीटा कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू Mg, इक्वल टू Mg, ठीक है। अब T2 को इस तरफ रख लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, T2 कोस बीटा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा बराबर Mg। तो ये फॉर्मूला अपन ने बेसिक फिजिक्स में सीखा है, कौन सा होगा, T2 साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, Mg। तो आपके पास T2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, Mg अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास T2 की
वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। टी टू की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास, नोट कर लीजिएगा, टी टू की वैल्यू आ जाएगी, और टी टू की वैल्यू ये आ गई आपके पास, कोस अल्फा अपन ने रख दी, और कुछ और कमी रह गई ना, कोस अल्फा नीचे भी तो रह गया अपना, कोस अल्फा, ये कोस अल्फा इस तरफ चला गया तो नीचे कोस अल्फा रह गया, तो कोस अल्फा, ठीक है, कोस अल्फा इस तरफ आ गया, ये नीचे आ गया तो मल्टीप्लाई में कोस अल्फा, ठीक है, अप्रोप्रिएट दिख रहा होगा। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ, तो टी टू आपके पास क्या आ जाएगा, टी टू क्या आ जाएगा, एम जी, ये कोस अल्फा ऊपर चला जाएगा, कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट दिख रहा होगा, टी टू की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ना, कोस बीटा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन बीटा, कौन सा होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लिख सकते हो यहाँ पर, क्या लिखोगे, लगा के लिख सकते हो, कोस बीटा साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आप फॉर्मूला लगाया हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब टी टू की वैल्यू आ गई, और टी टू की वैल्यू आ गई तो अपन अब आगे सॉल्व करते हैं। मेरे हिसाब से उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है, उम्मीद है मुझे, इतनी तो उम्मीद तो रख ही सकता हूँ अब इतनी कि आपने उतार लिया। तो ये वैल्यू आपकी आ चुकी है टी टू की, तो टी टू की वैल्यू आ चुकी है, तो टी टू की यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दीजिए, टी वन कोस अल्फा बराबर टी टू, टी टू की वैल्यू है एम जी कोस अल्फा और कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर कोस बीटा, तो कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल, तो टी वन की वैल्यू एम जी अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा और ये कोस बीटा, ये आपके पास आ चुकी है। ये आपको इक्वेशन दे दीजिए तीन, ये दे दीजिए चार, नोट कर लीजिए, कोस बीटा में तो आ जाएगी टी वन और टी टू के कितने में आ जाएगी, कोस अल्फा में आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तीन क्वेश्चन मैं आज के लिया हूँ, मैं पहला क्वेश्चन ब्लॉक का लिया हूँ उसमें फोर्स लगाए हूँ, और तीसरा इसको एक्सेलेरेशन हवा में रखा हूँ ब्लॉक को, और ऊपर एक एक दृढ़ जो आपके पास सरफेस है उससे लटकाया हूँ ब्लॉक को, टी वन दो रस्सी से जोड़ा हूँ, टी वन टी टू टेंशन दिया हूँ, जिसकी वैल्यू मैंने ये निकाली हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि एफ बी डी की ये क्लास आपको समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी पहली क्लास एफ बी डी की, तो बताइएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, जब भी आप देखो तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखा करो, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।